नमस्कार दोस्तों, आज हम एक माइक्रोमैक्स टीवी एलईडी टीवी का मदरबोर्ड का डिटेल्स हम लोग देखेंगे। तो माइक्रोमैक्स 32 इंच का टीवी में लगा हुआ रहता है दोस्तों। तो इसका वोल्टेज कहाँ पे कितना रहता है वो सब इसका ट्रैक हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, मैं मीटर को बजर रेंज में रख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां पे दोस्तों देखिए 448 पिन का पॉइंट निकला हुआ है। ठीक है, ये हमारा पावर सप्लाई में जाके कनेक्ट होगा। तो ये दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्ट है दोस्तों, 12 वोल्ट और उसके बाद दो पिन 12 वोल्ट, दो पिन ग्राउंड, दो पिन एनेबल है और दो पिन एग्जस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग अभी बारी बारी चेक करेंगे कि 12 वोल्ट आता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 लेग का आईसी लगा हुआ है। 5 नंबर में यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा और 6 नंबर से आउटपुट निकलेगा 5 वोल्ट, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। फिर 5 वोल्ट यहाँ पे देखिए एक रेगुलेटर है, देखिए दोस्तों ये रेगुलेटर में आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रेगुलेटर से आउट होगा इसका 3.3 वोल्ट, ये रेगुलेटर 3.3 वोल्ट का है। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो रेगुलेटर है 5 पिन का आईसी है दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर पे इनपुट होता है 5 वोल्ट और 3 नंबर से 1.2 वोल्ट आउटपुट होता है दोस्तों। फिर ये आ गया रेगुलेटर दोस्तों, जो कि राम सप्लाई 1.8 वोल्ट है दोस्तों। फिर 12 वोल्ट जाता है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हो ये डायोड में, ठीक है, ये डायोड से होते हुए ये साउंड आईसी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए साउंड आईसी में चले जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंट वोल्ट इतना है दोस्तों। यहाँ पे स्पीकर का कनेक्टर है और तो ये तो हमारा जो पैनल है कीबोर्ड और आयर पैनल इसके लिए है। तो यहाँ पे जितना भी वोल्टेज चाहिए वो सब तो निकल गया, जो कि इम्पोर्टेंट वोल्टेज है। जैसे कि 12 वोल्ट इन हुआ और 6 पिन का आईसी में गया और यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट हुआ और 5 वोल्ट यहाँ पे इन हुआ और 3.3 वोल्ट मेमोरी आईसी और प्रोसेसर के लिए आउट हुआ। फिर यहाँ पे 5 पिन का आईसी है, यहाँ से 5 वोल्ट इन हुआ और 1.2 वोल्ट निकला। फिर 1.8 वोल्ट जो राम सप्लाई यहाँ से निकला। फिर यहाँ से 12 वोल्ट गया, हमारा यहाँ डायोड है, डायोड के थ्रू से, डायोड का आउटपुट से हमारा सप्लाई हमारा ऑडियो आईसी के लिए निकल गया। तो दोस्तों पूरा सप्लाई हमारा हो गया है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।